गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास टेंथ के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके हिंदी गद्य का लेसन 6 है, जो कि आपका डॉक्टर भगवती चरण उपाध्याय जी का, इनकी जीवनी मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। और इससे पहले जो आपका 5th लेसन है, जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जब मैंने आपसे हिंदी का सिलेबस डिस्कस किया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके हिंदी के सिलेबस से कौन कौन से जो लेसन है वो हटा दिए गए हैं। तो जो आपका हिंदी गद्य का 5th लेसन है रामधारी सिंह दिनकर जी का, जो कि है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये लेसन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको जो आपका लेसन नंबर 6 है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगी। तो आज मैं सबसे पहले आपको जो डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय जी हैं उनका जीवन परिचय बताऊँगी, फिर इसके बाद हम इसके लेसन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहेंगे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय। तो इनके जीवन के बारे में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि आपको जीवनी जो है वो किस तरीके से लिखनी चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारीपुर गांव में हुआ था। तो जो आपका यहाँ पर अगर आप किसी भी राइटर की जीवनी लिखते हैं तो सबसे पहले आपको उनका जन्म स्थान और उनका जन्म जो है किस सन में हुआ था ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी पहली लाइन जो है वो इसी से स्टार्ट होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पर इसीलिए आपका यहाँ पर पहली लाइन यही बताई गई है कि जो डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय जी हैं उनका जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारीपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर हुई। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में MA किया। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर आपको बताया गया कि जो डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय जी हैं उनका जन्म स्थान कहाँ पर है और किस सन में उनका जन्म हुआ था। फिर इसके बाद आपको अगर किसी भी राइटर की आप जीवनी लिख रहे हैं तो उसके बाद आपको उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताना होगा कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो बाकी की पढ़ाई है वो कहाँ पर कंप्लीट की, किस कॉलेज से कंप्लीट की और उस समय उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी होती हैं जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके भगवती चरण उपाध्याय जी इन्होंने क्या, ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थ अध्येता एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक रहे हैं। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का विशेष अध्ययन किया। क्रमशः पुरातत्व विभाग प्रयाग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय में अध्यक्ष तथा पिलानी बिरला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ कि तत्पश्चात इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य कर अवकाश ग्रहण करने के पश्चात देहरादून को अपना निवास स्थान बनाया। तो यहाँ पर आपको इनके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पहले बताया गया, सबसे पहले आपको इनका जन्म कहाँ पर हुआ और किस सन में इनका जन्म हुआ ये आपको यहाँ पर बताया गया। फिर इसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया कि इन्होंने अपनी जो बाकी की पढ़ाई है वो कहाँ पर कैसे कम्प्लीट की, फिर इसके बाद इनका थोड़ा सा इनके बारे में बताया गया कि अपने समय में इन्होंने क्या क्या चीज़ें की, जैसे कि ये पुरातत्व विभाग और प्रयाग संग्रहालय और लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष रहे और पिलानी बिरला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर भी इन्होंने कार्य किया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर इसके बाद इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो आपके डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय जी है इन्होंने ये सब करने के बाद फिर अवकाश ग्रहण करके ये देहरादून जाकर बस गए, देहरादून को ही इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। ये आपको इतनी चीज़ें इनके बारे में बताई गई हैं। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद इनका थोड़ा सा और इनके जीवन के बारे में बताया गया है कि आगे चलकर इन्होंने क्या क्या किया। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पहले देहरादून जाकर बस के, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि भारत के प्रतिनिधि रूप में ये मॉरिशस में कार्यरत थे। उपाध्याय जी ने कई बार यूरोप अमेरिका चीन आदि का भी भ्रमण किया जहाँ भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर बहुत से महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। फिर इसके बाद लिखा हुआ है आपका कि 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का अतुल्य प्रयास किया। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्राचीन भारत के प्रमुख अध्येता एवं व्याख्याता होते हुए भी रूढ़िवादिता एवं परंपरावादिता से सदैव ऊपर रहे। वस्तुतः अपने मौलिक एवं स्वतंत्र विचारों के लिए ये प्रसिद्ध हैं। अगस्त
अगस्त सन 1982 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो आपको यहाँ पर बताया गया कि जो आपके डॉक्टर भगवतचरण उपाध्याय जी हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई और इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या चीज़ें की, जैसे कि इन्होंने भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में ये मॉरिशस में भी कार्यरत थे, फिर इसके बाद इन्होंने कई जगहों की यात्रा भी की, जैसे कि आपका यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, चीन, यहाँ पर इन्होंने भ्रमण भी किया और भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर बहुत से महत्वपूर्ण व्याख्यान भी दिए। फिर इसके बाद इन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको इनके जीवन के बारे में बता दिया कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, किस सन में इनका जन्म हुआ था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी और इन्होंने अपने समय काल में क्या क्या चीज़ें की, और फिर लास्ट में आपका आ जाता है मृत्यु। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगस्त सन 1982 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो ये लाइन भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप किसी राइटर की जीवनी लिखते हैं, आप उनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ, किस सन में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु किस सन में हुई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होती हैं। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा इनके शॉर्टकट में आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिया, तो इसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान क्या था, मृत्यु कब हुई थी, भाषा इनकी कैसी थी और इन्होंने कितनी सारी पुस्तकों की रचना की है। तो इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है जो हैं आपके भगवतचरण उपाध्याय जी। अब आगे देख लेते हैं आपको आगे इनकी रचनाएँ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा अगर आप किसी राइटर की जीवनी लिख रहे हैं, तो उन्होंने किस किन रचनाओं में किन किन चीज़ों की रचना की है वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो चलिए हम इनकी रचना के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या रचनाएं इन्होंने की हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रचनाएं, उपाध्याय जी ने हिंदी में 2 विपुल साहित्य की रचना की है, किंतु अंग्रेजी में भी इनकी कुछ एक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी उल्लेखनीय रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट दिया है पुरातत्व। तो पुरातत्व में इन्होंने किन किन चीज़ों की रचना की है, इन्होंने मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी, कालिदास का भारत, इन पुस्तकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला का सूक्ष्म वर्णन हुआ है। तो जो ये सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं भगवतचरण उपाध्याय जी ने, जैसा कि मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, तो इसमें क्या बताया गया, इसमें भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला के बारे में बताया गया है ये आपका। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ इतिहास। तो इसमें इन्होंने किन किन पुस्तकों की रचना की है, इसमें आपका लिखा हुआ खून की छींटे, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर, प्राचीन भारत का इतिहास, साम्राज्यों के उत्थान पतन आदि, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन पुस्तकों में प्राचीन इतिहास को साहित्यिक सरसता के साथ प्रस्तुत किया गया। तो इनमें आपकी जो आपकी किताबें हैं खून की छींटे, इनमें आपको प्राचीन इतिहास के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद देख लेते हैं आलोचना, आलोचना में इन्होंने किन किन चीज़ों की रचना की है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व साहित्य की रूपरेखा, फिर आपका लिखा हुआ है साहित्य और कला, कालिदास आदि, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने इसकी रचना की है। इन ग्रंथों में साहित्य के विविध पक्षों का प्रकाश डाला गया। तो जो आपकी ये सारी रचनाएं हैं विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कालिदास, इसमें क्या क्या है कि साहित्य के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है इनके ज़रिए। फिर इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, फिर इसके बाद आ जाता है यात्रा वृत्तांत। तो इसमें किन किन चीज़ों की इन्होंने रचना की है, इसमें आपका दिया है कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर, मैंने देखा, लाल चीन आदि, ये सारी इनकी यात्रा वृत्तांत से संबंधित रचनाएं हैं। इनमें आपको इनकी विदेश यात्राओं का सजीव विवरण मिलेगा जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है यात्रा वृत्तांत। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है पांचवा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है संस्मरण और रेखाचित्र। क्या लिखा हुआ है, संस्मरण और रेखाचित्र, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका लिखा हुआ है मैंने देखा ठूठा आम, इनमें स्मृति के साथ साथ संवेदना के रंगों से भरे सजीव शब्द चित्र उभारे गए हैं, ये आपका इसमें बताया गया है। फिर इसके बाद आपका लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी ग्रंथ, इसमें इन्होंने कई आपका मैंने ऊपर ही बताया ना कि इन्होंने अंग्रेजी में भी कई सारी रचनाएँ की हैं। तो यहाँ पर इनका अंग्रेजी ग्रंथ कौन कौन सा है, अंग्रेजी ग्रंथ इनका है आपका इंडिया इन कालिदास, वीमेन इन ऋग्वेद तथा इंडियन एशियन इंडिया, ये आपका यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी में ये सारी रचनाएं की हैं। तो यहाँ पर आपका जो हो गया इनका जीवन परिचय यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जो आपके भगवतचरण उपाध्याय जी हैं। यहाँ पर मैंने आपको इनके जीवन के बारे में बताया कि इनका जीवन कैसे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे ली, इसके बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई किस तरीके से की और ये किस तरह से कई जगह पर इन्होंने कार्य भी किए, कई जगह के ये अध्यक्ष भी बने, प्रोफेसर भी बने, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। फिर इसके बाद इन्होंने जो है देहरादून को जो है अपना निवास स्थान बना लिया। फिर इसके बाद इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व
के रूप में एक मॉरिशस में भी इन्होंने कार्य किया, और इसके बाद जो है इन्होंने कई जगहों की यात्रा भी की, जैसे यूरोप, अमेरिका, चीन, इन जगह की यात्रा भी की। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने बता दी, और इसके बाद आपका लास्ट में इनकी मृत्यु कब हुई ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप किसी राइटर की जीवनी लिखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इनकी जो भी रचनाएं हैं, उन्होंने रचनाएं जो इनकी फेमस रचनाएं हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको इनकी जितनी भी फेमस रचनाएं थी वो सारी बता दी। और सबसे पहली बात आपका यहाँ पर इन्होंने कुछ अंग्रेजी रचनाएं भी की हैं, तो उनके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इसी तरह से अगर आप किसी राइटर की जीवनी लिखते हैं तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो आपका ये लेसन है भगवती शरण उपाध्याय जी का, इसका मैंने आपको यहाँ पर इनका जीवन परिचय बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो आपका इसका लेसन है आपका अजंता की उपाय, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।